सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब वायरल हैं। मुलाकात हो रही थी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, लेकिन खबर बन गए राहुल गांधी। दरअसल कल जब दोनों नेताओं की दिल्ली में मुलाकात हुई तो तस्वीरें कुछ बाहर आई जिसमें पीछे टीवी स्क्रीन पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नजर आ रहे थे। अब सोशल मीडिया के बाशिंदों को तो आप जानते हैं, फोटो शेयर करके खूब मौज ले रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं की स्क्रीन पर भी राहुल ही राहुल हैं। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया सुनेत ने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, आज पूरा देश राहुल गांधी को देख और सुन रहा है, ये रहा सबूत। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने भी मजे लिए। फिरोज अहमद ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी नड्डा के घर के अंदर तक पहुंच गए हैं। वहीं आशीष लिखते हैं, चिराग पासवान तो पहले से ही जननायक राहुल गांधी के फैन थे, लेकिन नड्डा जी तो छुपा रुस्तम निकले। राहुल गांधी पर पूरी नजर बनाए हुए हैं, डर देख रहे हैं, ये डर अच्छा है। एहसान ने कहा, सुना है नड्डा जी भी राहुल गांधी के फैन हो रहे हैं। इस वायरल फोटो में राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर में दिया भाषण चलता हुआ नजर आ रहा है। राहुल भले ही इस फोटो में आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं, लेकिन वो तो ये मानते हैं कि अब तो सरकार भी विपक्ष चला रहा है। जम्मू कश्मीर में राहुल के अलग ही तेवर नजर आए, सीधे पीएम पर निशाना साधकर 56 इंच कहकर चुनौती दी। पीएम का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है ये कहा। लैटरल एंट्री का उदाहरण देते हुए कहा कि हम जो चाहे सरकार से मनवा लेंगे, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिलाएंगे। आपने देखा होगा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती फुला के आते थे, देखा था आपने, 56 इंच गायब हो गई ना, 56 इंच की छाती। इंडिया गठबंधन ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंस उड़ा दी, बिल्कुल उड़ा दी। वो आपको तो दूर से दिखते हैं ना, मैं तो पार्लियामेंट में उनके सामने बैठता हूं तो मुझे तो डायरेक्ट दिखता है हो क्या रहा है। बिल्कुल पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस खत्म हो गई। जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच छाती वाले, वो हैं नहीं, खत्म हो गए, वो उनकी कॉन्फिडेंस गई। आज मैं आपको बताता हूं, जो ऑपोजिशन चाहता है वो इनकी सरकार करती है, दम नहीं रहा इनमें। लैटरल एंट्री की बात की, इन्होंने कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे, अमीर लोगों को कैसे लाओगे, गरीबों को आप आने नहीं देते हो, कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे, हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है, जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे, और हम स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हम करा देंगे। इस बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी की रैली के बाद प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे बड़े नेता जम्मू कश्मीर में कई रैलियां करेंगे। प्रियंका गांधी पहली बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए प्रचार करती हुई नजर आएंगी। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड भापने के लिए इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया। सर्वे में जम्मू कश्मीर की जनता से पूछा गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पहली पसंद कौन है। उन्होंने कहा, जो आंकड़े सामने आए उनमें राहुल गांधी पीएम मोदी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 40% लोगों को पीएम के तौर पर पहली पसंद नरेंद्र मोदी है, वहीं 38% की पसंद राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में चुनाव होने हैं। पहले चरण 18 सितंबर, दूसरा फेज 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान जो है वो 1 अक्टूबर को होगा। काउंटिंग जो है वो 8 अक्टूबर को होगी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।